मुझे मारने की धमकी देते हैं सर, कट्टा लेके बैठते हैं, मुझे दौड़ते हैं रोड पर मारने के लिए। हमारी बहन बेटियों को गाली देते हैं सर, सरेआम जाके द्वार पर गाली देके आते हैं। सुना आपने किस तरह ये शख्स अपने साथ हो रही शर्मनाक हरकत की गवाही दे रहा है। अमेठी में रहने वाले दलितों को अपनी जान का खतरा सता रहा है, इसीलिए ये शख्स गाँव वालों के साथ मवेशी लेकर थाने पहुँच गया और थाने के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस अनोखे प्रदर्शन को देखकर सभी हैरान और परेशान हैं, लेकिन जब आप इस शख्स की पूरी बात सुनेंगे तो आपको भी यकीन हो जाएगा कि ये बेचारा कितना मजबूर है। नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन की खास खबर। यह अजीबोगरीब मामला अमेठी जिले के कोतवाली मुसाफिर खाना का है, जहां मौजूद बिरई भैदपुर गांव में दबंगों से परेशान होकर ग्रामीण अपने अपने मवेशी लेकर थाने पहुंच गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह ये लोग भैंस, बकरी, गाय और कुत्ता लेकर थाने में पहुंच गए हैं। दरअसल बिरई भैदपुर गांव में रहने वाले दलित का आरोप है कि गांव में रहने वाले दबंग प्रवेश सिंह उर्फ मिंटू उनकी जान का दुश्मन बना हुआ है। कुछ दिनों पहले रात के अंधेरे में शराब के नशे में धुत मिंटू सिंह को किसी ने पीट दिया। मिंटू सिंह का आरोप है कि उसकी पिटाई गांव के ही किसी शख्स ने की है, जिसके बाद से वो रोजाना किसी न किसी दलित की पिटाई करता है, जिसके गांव के लोग खासा परेशान हैं। इतना ही नहीं, गांव वालों का आरोप है कि मिंटू सिंह उन्हें जाति सूचक गालियां भी देता है और तो और उनके घर की महिलाओं के साथ छेड़छाड़ भी करता है। सर थाने आए हैं सर, ये अरविंद सिंह और परवेश सिंह सर, दोनों ये मारपीट कहाँ हुई, कैसे हुई सर कुछ पता नहीं हम लोगों को। ये लोग कहते हैं सर कि हमने उन्हें मारा है सर, गलत आरोप लगा के मुझे मारने की धमकी देते हैं सर, कट्टा लेके बैठते हैं, मुझे दौड़ते हैं रोड पर मारने के लिए दौड़ाते हैं सर, इसीलिए हम यहाँ आए हैं कि सर हमें कुछ मिले, सुरक्षा मिले या और कुछ हो सर, कुछ न कुछ सहायता हो सर। हमारी बहन बेटियों को गाली देते हैं सर, सरेआम जाके द्वार पर गाली देके आते हैं सर, हमारी बहन बेटियों को छेड़ देते हैं। हम लोग सर बहुत परेशान हैं, आज से नहीं आज कई साल से सर इससे परेशान है, कई एप्लीकेशन डाल भी दिए हैं सर, कोई सुनवाई आज तक भी नहीं। यहाँ जाते हैं, यहाँ तक कि विधायक जी आते हैं, समझौता भी करवा देते हैं सर, दो चार दिन दस दिन महीना भी माने रहते नहीं, फिर वही हाल करते हैं और कह रहे हैं सर कि तुम लोगों को सर ट्रैक्टर से चढ़ा के मार दूंगा, एक्सीडेंटल केस बना दूंगा, कुछ नहीं होगा सर। और सुरेश सिंह उनके भाई बड़े आए, उन्होंने पूछा क्यों मारा उसे, तो हमने कहा सर हमने मारा ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है, तो मैं क्या बताऊँ कैसे मारा कैसे नहीं मारा। तो बोल रहे हैं कि तुम्हें तीन भाई ने मारा है, आरोप लगा रहे हैं झूठा, तो क्या करें सर, ये मारने की धमकी दे रहे हैं, तो हमें सर कुछ सपोर्ट या सरकारी कुछ तो होना चाहिए सर हमारे साथ, हमें इंसाफ तो मिलना चाहिए सर, हमें मार देंगे तो हम क्या करेंगे सर, हमारे बीवी बच्चे हैं। मिंटू सिंह की इस हरकत से सभी गांव वाले परेशान हैं। जब उन्हें कुछ नहीं सूझा तो वो पुलिस से मदद मांगने पहुंच गए और वो भी अपने अपने मवेशी लेकर। इतने सारे जानवरों को थाने में देखकर पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए। आनंद फानन में कोतवाल ने गांव वालों की तहरीर लेकर उन्हें कार्रवाई का भरोसा दिया, जिसके बाद जैसे तैसे मामला शांत हो गया। ये खबर हमारे संवाददाता मोहम्मद तौफीक ने कवर की है। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पे लाइक और फॉलो करें और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।